भाग्य जननी त्रिलोक पथ गामनी जाह्नवी संसार विष नाशिनी, ऐसे ही 108 नामों से पुकारी जाने वाली नदी माँ गंगा मात्र एक नदी नहीं बल्कि समूची भारतीयता की आस्था का जीवंत प्रतीक है। हिमालय की गोद से प्रवाहित होने वाली नदी गंगा पवित्र तो है ही, साथ ही साथ जीवनदायिनी भी है, जिसके पानी में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसका निर्मल जल विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जीवों का निवास स्थान भी है। परंतु पिछले कुछ दशकों की लापरवाही से गंगा प्रदूषण की भेंट चढ़ चुकी है, जिससे इसके किनारों पर बसे सैकड़ों छोटे बड़े शहर और हजारों गांव आज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यदि शीघ्र इस समस्या का निवारण नहीं किया गया तो गंगा नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा नदी की सफाई और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की मुहिम की शुरुआत की है। हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भारत की प्रतिष्ठित कंपनी यूएस एनवायरन, जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का सफलतापूर्वक उपचार करने में सक्षम है। क्योंकि गंगा की सफाई कोई कार्य नहीं अपितु कर्तव्य है। सन 1985 में शुरू किया गया गंगा एक्शन प्लान कई वर्षों से हजारों करोड़ रुपए लगने के बावजूद विफल रहा। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि गंगा की सफाई के लिए हर भरसक प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गंगा की सफाई का बीड़ा उठाया है, उसमें यूएस एनवायरन भी अपने तरीके से सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है। यूएस एनवायरन खुले नालों की सफाई करने की एक नई तकनीक इको बायो ब्लॉक सिस्टम से परिचित कराना चाहती है, जो कि गंगा की सफाई कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये तकनीक विश्व के कई शहरों में मल जल शोधन में उपयोग की जा रही है, जिसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इको बायो ब्लॉक्स पानी को स्वच्छ करने में काफी सहायक होती है। इसका इस्तेमाल खुले नाले और नालियों, तालाबों और झीलों की सफाई में, मल जल उपचार और प्रवाह उपचार संयंत्रों में किया जा सकता है। स्वच्छ गंगा अभियान में उपयोग में लाई जाने वाली ईबीबी टेक्नोलॉजी की विशिष्टताएं ये हैं। ईबीबी पद्धति एक साधारण स्रोत है जो इको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करती है। वो माइक्रोब्स जो शुद्ध जल के लिए आवश्यक होते हैं किंतु दूषित जल में मर जाते हैं, उन समस्त दूषितताओं का उपचार किया जा सकता है। इन उपचारित माइक्रोब्स का अधिक मात्रा में उपस्थित होना एक उचित वातावरण प्रदान करता है, जो जल की शुद्धता के लिए लाभप्रद होता है। ये प्राप्त जल इतना शुद्ध होता है कि इसका प्रयोग बड़ी सरलता के साथ कृषि या अन्य फल, सब्जी, फूल आदि के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये परिष्कृत जल संपूर्णतः दुर्गंध रहित होता है, जो कार्य करने के वातावरण को अधिक सरल और उपयुक्त बनाता है। इस कार्य में उपयोग में आने वाला क्षेत्र भी बहुत कम होता है। ईबीबी माइक्रोब्स मच्छरों के अंडों को मार देता है, जिसके फलस्वरूप मलेरिया आदि जैसे रोगों के होने की संभावनाएं भी बहुत कम होती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में
किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा या बिजली का प्रयोग नहीं होता तथा इसके रखरखाव में भी संपूर्ण खर्च का केवल 5% ही खर्च होता है। इसकी एक और उपलब्धि ये भी है कि इसमें वेस्ट वाटर या अवशेष या कीचड़ अति सामान्य होता है, जिसकी रिसाइकलिंग की पुनः कोई आवश्यकता नहीं होती। उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक लगभग 140 नाले हैं जो सीधे गंगा नदी में जाते हैं और यही गंदगी इस जीवनदायिनी जल को दूषित करने का प्रमुख स्रोत या कारक होती है। लेकिन यदि हम इस पूरे क्षेत्र में 5 किलोमीटर पहले से इको बायो ब्लॉक सिस्टम का प्रयोग करें तो गंगा का जल भविष्य में सर्वदा शुद्ध एवं स्वच्छ रहेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीबीसीबी के संरक्षण में मयूर विहार ड्रेन में पहले से ही ईबीबी तकनीक को प्रमाणित किया जा चुका है। तो आइए इको बायो ब्लॉक्स तकनीक से तकदीर बदलें, गंगा की दशा बदलें।